जो बड़ी खबर आ रही है वो देश के सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। स्पीच जो कोर्ट ने अभी तक कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज जमानत की अपील इसलिए की है ताकि उनको चुनाव में कैंपेन करने का, प्रचार करने का मौका मिल सके। अदालत ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इससे पहले उन पर कोई केस भी नहीं था। उन्होंने ये भी आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को अगर हम जमानत दे देते हैं, ये उन्होंने कहा कि अगर हम जमानत देते हैं आपको, तो आप अपना कोई सरकारी काम नहीं करेंगे, आप कोई फाइलें नहीं, फाइलों पर दस्तखत आप नहीं करेंगे। इस पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूरा देश हमको देख रहा है, डेढ़ साल से केस चल रहा है, कुछ निकला नहीं, इसमें बहुत गलत संदेश जाएगा। वो ये चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले और अरविंद केजरीवाल अपनी सारी ड्यूटीज जो हैं एज चीफ मिनिस्टर उनका निर्वहन कर सकें। दूसरी ओर ईडी की तरफ से ये कहा गया कि अगर जमानत दी जाती है तो गलत मैसेज जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर में और एक आम आदमी में कानून की नज़र में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये एक स्पेशल केस है, देश में चुनाव चल रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, इसीलिए हम इस मामले को सुन रहे हैं। मतलब कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि प्रचार के लिए जमानत मिलना ऐसा नहीं होगा कि आप कोई फर्क कर रहे हैं किसी आदमी पर। उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर हैं तो इस लिहाज से चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। आप देखिए कोर्ट में अभी आगे क्या होता है, थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं देश की राजनीति में कितना उछाल आएगा, कितना तूफान मचेगा। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। कोर्ट ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई तो हो सकता है अपने केस की बात भी वो करें, तो आप समझ सकते हैं देश की राजनीति में अब क्या होगा। लेकिन अगर उनकी जमानत ठुकरा दी जाती है तो एक बार फिर उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा और फिर हो सकता है उनको लंबा इंतजार भी करना पड़े। तो ये सब कुछ अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। हमारे दो सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा, जो आपको लाइव अपडेट देंगे कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीदें हैं, क्या तैयारियां हैं। और यहाँ हमारे साथ कहानी कुर्सी के मंच पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर साहब जो हैं जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। अगर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तो बताइएगा मुझे, अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, पहले इस वक्त का अपडेट कोर्ट से बता दीजिए। देखिए सौरभ, सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई चल रही है जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये स्पष्ट किया है कि ये सुनवाई जो है वो आज दोपहर 2:30 बजे तक ही चलेगी, इसलिए दलीलों को लंबा ना किया जाए। और जो पूरे मामले की सुनवाई चल रही है वो अंतरिम जमानत के ऊपर चल रही है। कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये एक असाधारण मामला है क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और उनको चुनाव प्रचार के लिए ना रोका जाए, इसलिए वो अंतरिम जमानत पर जो है वो सुनवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर को रिजर्व करती, जिसका लगातार विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया जा रहा है। पहले एएसजी एसवी राजू जो है वो ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन उसके बाद जो एसजी है तुषार मेहता वो भी कोर्ट रूम में पहुंचे और बकायदा ईडी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री और एक साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं किया जाना चाहिए, गलत संदेश जाएगा, काफी गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। लेकिन कोर्ट ने कहा क्योंकि ये मामला जो है वो अब चुनाव है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है और उस दौरान अगर किसी जो मुख्यमंत्री है उनको चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो कुछ नियम कंडीशंस की बात अभी कोर्ट के अंदर चल रही है, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से भी यह कहा गया कि 9-9 बार सम्मन दिए गए, इसके बावजूद जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शायद वो पेश होते, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते तो शायद उनकी गिरफ्तारी, ऐसा हो सकता था कि शायद उनकी गिरफ्तारी ना होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 9 सम्मन के बावजूद वो कोर्ट जो है वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके खिलाफ जो अभिषेक मनु सिंघवी है जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, उनका कहना था कि जब 9 सम्मन पर नहीं गए तो उसके बाद कौन सा सम्मन दिया था, जब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करती है। तो फिलहाल दोनों तरफ से अब दलीलें दी जा रही है। 2:30 बजे तक का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 2:30 बजे के बाद वो इस पूरे मसले पर सुनवाई नहीं करेंगे। हिदायत अभिषेक मनु सिंघवी को दी गई है, उन्होंने कहा कि दलीलें को लंबा ना करें, जो पूरा मैटर है, जो सुनवाई है वो अंतरिम जमानत पर चल रही है और 2:30 बजे के बाद इस मैटर के ऊपर सुनवाई नहीं होगी। तो मान लीजिए सौरभ कि 2:30 बजे से पहले ही इस पूरे मामले पर आदेश आना है,
क्या आदेश होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत मिलती है? अगर मिलती है तो किन शर्तों पे मिलती है, इसके ऊपर अभी कोर्ट के अंदर दलीलें चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये दलीलें चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनको अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाए। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी उसी तरीके से जमानत जो है वो अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है। तो मामले की सुनवाई अभी चल रही है, लगातार जो ईडी है वो इसका विरोध कर रही थी। ईडी का कहना था कि जो नेता है और आम नागरिक है उसमें जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है। एक क्लैरिटी आपसे चाहिए अतुल, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा 2:30 बजे के बाद सुनवाई नहीं होगी, इसका मतलब क्या है कि 2:30 बजे तक आज फैसला आ जाएगा, आज ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर देगा अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है या नहीं? देखिए बिल्कुल सौरभ, देखिए गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है और कोर्ट का ये कहना है क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें हैं उसको लंबा कर रहे थे, तो कोर्ट ने ये तो बीच में टोक कर ये बोला कि हम सिर्फ आज 2:30 बजे तक सुनवाई कर रहे हैं, इसके बाद आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी और इसके बाद गर्मी की छुट्टियों के बाद तक ये मामला टल सकता है, इसलिए अंतरिम जमानत पर जो बात होनी है वो जल्द से जल्द की जाए, जिस पर सुनवाई जो है जो दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो यहां पर दी जाए। स्पष्ट है कि 2:30 बजे तक ये दलीलें होंगी और उसके बाद आज ही, हालांकि जो ईडी के वकील है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इनको आपने 2 दिन सुनाया, हमको और वक्त मिलना चाहिए अपनी बात कहने का। इस पर फिर कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जो भी आपको कहना है आप आज दोपहर तक 2 बजे तक 2:30 बजे तक अपनी बात आप 1 बजे तक अपनी बात आप कह लीजिए। एक बार जरा हम भास्कर के पास भी चलेंगे। भास्कर, पार्टी को कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आज बाहर आएंगे? बिल्कुल उम्मीद है आप पार्टी को कि शायद उनको अंतरिम जमानत आज मिल जाए और ये किसी वरदान से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। पहले संजय सिंह बाहर आए, जमानत मिली रेगुलर उनको, और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिल जाती है तो ये मान के चलिए कि चुनाव का पूरा रुख बदल जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में, और इसके साथ साथ बदलाव होगा आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन में भी। पिछले कुछ दिनों से देखा कि पूरा कैंपेन का आधार बना दिया गया था कि जेल का जवाब वोट से, अरविंद केजरीवाल खुद बाहर आ जाएंगे, ऐसे में हो सकता है वो बदलाव करना पड़े आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल के ऊपर में तमाम यातना और इस तरह की बात की जा रही थी कि उनको जेल में परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, ये सारी बातें क्या अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं, कोर्ट में किस तरह की शर्तें रखी जाएंगी उसके बाद ये तय होगा हालांकि। लेकिन ये सारी बातें अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता के सामने आके करें तो निश्चित रूप से उनको लग रहा है कि परिणाम में बदलाव आएगा। देखिए देश में बेशक ये तीसरे चरण का चुनाव हो रहा हो लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पहले चरण का चुनाव है, छठा चरण जहां राजधानी दिल्ली में चुनाव होना और 7वें चरण में पंजाब में चुनाव होना है, और इन दोनों चरणों के लिए अगर अरविंद केजरीवाल अवेलेबल रहते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सुविधा हो जाएगी कि अपनी बात को, उनका जो सबसे बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है वो जनता के बीच में रखेगा और जिसकी कमी महसूस की जा रही है पार्टी में। पार्टी को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद अगर चुनाव प्रचार में रहते हैं आम जनता से वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जी ठीक है, उनका रोड शो होता है जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर करते हैं बहुत कम दिनों में, वो सब काम पूरा हो पाएगा अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो। जी जी ठीक अतुल। भास्कर फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और अभी लंच हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज हैं उन्होंने कहा है कि हम लंच के बाद मिलेंगे 1/2 घंटे के लिए और उसके बाद मिस्टर राजू जो वकील ईडी के हैं उनको हम सुनेंगे। और बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले आप अरविंद केजरीवाल का जो रोल है उसको हमको जानना चाहिए इस पूरे केस में, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। अब 2 बजे सुनवाई होगी दोबारा, फिलहाल लंच के लिए अदालत उठ गई है तो देखिए कि उस वक्त क्या, अब आज क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जिससे लगे कि वो बिल्कुल जमानत देने के हक में नहीं है, हालांकि अब क्या कंक्लूजन होगा ये देखा जाएगा। ईडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, आरोप इनके ऊपर गंभीर हैं, इनके ऊपर सारे आरोपों की एक बार मेरिट्स में जाना चाहिए उसके बाद अदालत को फैसला करना चाहिए। अदालत ने अपनी तरफ से सिर्फ इतना भी फिलहाल कहा है चुनाव है, ये मुख्यमंत्री हैं, इनका एक रोल है चुनाव के प्रचार में, इसलिए हम इनको सुन रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए मुझे लगता है कि इसको यूं कहा जाना चाहिए कि अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं उसमें लगभग लग रहा है कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे देंगे। अब कोई नई चीज़ आ जाए न्यायालय के सामने, कुछ ऐसा तर्क लेकर तुषार मेहता या राजू साहब आ जाएं तो बात अलग है। और देश इस बात को ज़रूर समझना चाहता है कि आखिर क्या ऐसा हो गया
कि बिना मांगे जमानत मिल रही है, क्योंकि ये जमानत कोई जमानत की याचिका नहीं डाली गई थी, कोई भी जमानत की याचिका, ये तो सुनवाई इस पर हो रही थी कि गिरफ्तारी जायज है या नहीं है, उसको चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब अगर ये चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनके लिए तो जिसको कहते हैं ना वो लॉटरी में जो सबसे बड़ी वाली लॉटरी हो जाए वो निकल आना, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो वो फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे या विभाग नहीं देखेंगे, तो विभाग तो वैसे भी उनके पास नहीं था, फाइल पर दस्तखत तो वही वो करते थे जो अंतिम में आती थी। सवाल यहां ये है कि क्या इसका राजनीतिक लाभ हो लेने जा रहे हैं? अगर सर्वोच्च न्यायालय में ये दलील आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त इनको पकड़ लिया गया, तो अब क्या इसके बीच में अंतरिम जमानत दे देने से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसका दुरुपयोग करेंगे, उनकी प्रचार सामग्री में आएगा कि देखिए अब तो हमको मिल गई, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, एजेंसियों का दुरुपयोग था। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को शायद इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा और शायद ध्यान दिया होगा। आमतौर पर जब ऐसे मामलों में जमानतें देती है अदालत तो कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है, कुछ पाबंदियां लगाती है। नहीं, लेकिन संजय सिंह के केस में लगाया था, अपने केस पर नहीं बोलेंगे, मैं वही कहने वाला था, लेकिन संजय सिंह के केस पर लगाया, संजय सिंह ने सबको टीवी पर खूब साक्षात्कार दिया ये कहते हुए कि हम आपसे उस वाले पे नहीं बोलेंगे, सब बोल डालते, कुछ भी बचा नहीं। वो कोर्ट में बोला गया सभाओं में जाकर कहा कि संजय सिंह ने बेल की कंडीशंस का मानना कि ये बोल कोर्ट में बोली गई है बात। लेकिन उसके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, देखिए देश के लोगों को एक चीज तो लगती है ना, इसमें ये हो सकता है, ये हमेशा हो सकता है कि एक सरकार रहे दूसरी सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगाए, कुछ कहें कि प्रोपेगेंडा चलाए, कुछ एजेंसी को दबाव बनाए, ये सब आरोप चल सकता है। लेकिन क्या इस तरह से इतने गंभीर मसले में जिसमें अलग अलग न्यायालयों में उसी से जुड़े हुए संबंधित व्यक्ति वो फंसे हुए जेल में हैं, उनकी जमानत तक नहीं हो रही, उसमें अरविंद केजरीवाल कैसे एक्सेप्शन है? ये कैसे, मतलब ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए हम एक पत्रकार के तौर पर एक समझ के तौर पर नहीं समझ पा रहे। अगर मनीष सिसोदिया एक्सेप्शन नहीं है, अगर दूसरे लोग एक्सेप्शन नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल एक्सेप्शन कैसे हो गए? नंबर एक। नंबर दो ये कि जब ये गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली थी तो या तो आप साफ साफ कहते कि भाई ईडी ने जो किया है गलत किया, आप गलत नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं चुनाव नहीं होता तो हम जमानत भी नहीं देते, लेकिन अंतरिम जमानत हम प्रचार के लिए दे देंगे, क्या ये देश के सामान्य लोगों के लिए एक समझ में? इस वक्त ग्राउंड केवल प्रचार ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए सारी सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन है, हम इलेक्शन के बीच में, इसीलिए हम इनकी जमानत सुन रहे हैं। और ईडी बार बार यही कह रही है कि पहले ये कह रहे थे कि कोई राज्यों का इलेक्शन चल रहा है, अब ये कह रहे हैं कि देश का इलेक्शन चल रहा है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय भी यही तर्क आया था। जी हाँ, ठीक। देखिए यहाँ पे ना दो चीजें हैं, यहाँ पे एक ये भी चीज है कि अरविंद केजरीवाल की आज रिमांड खत्म हो रही है, तो इस आर्ग्यूमेंट्स में जो एक इम्पोर्टेंट बात ये आई है कि रिमांड जब ईडी को लेनी है या किसी भी एजेंसी को लेनी होती है तो उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि जो इस पर्सन की रिमांड वो डिमांड कर रहे हैं, जुडिशियल रिमांड की भी बात कर रहा हूँ, तो वो गिल्टी है या नहीं। ईडी तो कह रही है आप हमको मेरिट्स में जाने दीजिए ना, डिस्कस करते हैं इनका रोल, डिस्कस करते हैं। इसीलिए और कोर्ट ने इसलिए भी वो सारी फाइलें मांगी हैं ताकि वो जो नोटिंग्स हैं वो देख सके कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट से पहले क्या नोटिंग्स हुई थी, जो मनीष सिसोदिया है उसकी अरेस्ट से पहले क्या नोटिंग्स हुई थी, और जो बयान लिए गए उनकी अरेस्ट से पहले क्या क्या नोटिंग्स हुई थी। देखिए सिर्फ ये कि चुनाव से पहले ये मतलब बेल दी जाएगी, ये सिर्फ एक वो नहीं है, प्रेमाइस नहीं है, कई तरह की बातें हुई हैं उसमें। उसमें जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने कोर्ट किया है, कई सारा केसेस कोर्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने उड़ीसा का एक शिवशंकर दास का केस कोर्ट किया है जिसमें कोर्ट ने बेल दी थी, और वो बेल की कंडीशंस ये थी कि आप प्रचार नहीं कर सकते। उसके बाद उस चंद्रबाबू नायडू का प्रचार के लिए मांगी जा रही है, ये नहीं है। देखिए फिर मैंने आपको कहा बेल जो है वो इस प्रमाइस पे है कि आपका जो जुडिशियल रिमांड है वो खत्म हो रहा है। जुडिशियल रिमांड अगर खत्म हो रहा है आपका और कोई ईडी या कोई एजेंसी सुन तो लीजिए, कोई एजेंसी जो है वो मांग रही है आपका जुडिशियल रिमांड, वो तो पिछली बारी वो तो पहले ही उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा, जेल भेजा जा चुका है, रिमांड की बात तो खत्म हो गई, ईडी को रिमांड कहां मिली? दो तरह की बात करें, जुडिशियल कस्टडी में भी आप मानेंगे ना कि जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई जाए। अगर आप जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने की मांग करेंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना गिल्टी है दोबारा। वही तो ईडी कह रही है, वही तो ईडी कह रही है कि बेल मत दीजिए, बेल मत दीजिए का मतलब जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई है इनकी। हाँ बिल्कुल बात है ना। हाँ। तो ऐसे में ईडी को दोबारा ये देना पड़ता है कि भाई ये आखिर किस तरह से गिल्टी है। एग्जैक्टली मैं वही आ रहा हूँ। तो इस वक्त जो बहस चल रही है वो यही चल रही है, कोर्ट कह रहा है कि हम आपको 2 बजे तक ही सुनेंगे, ईडी कह रही है कि हमको समय दीजिए, हमें इनका रोल आपको बताने दीजिए। ईडी ये कह रही है कि हम एक दिन में आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, आप इसको आगे करिए। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप ऐसा समय बढ़ाएंगे तो हो सकता है हम इनको
जो है अगर हम देना चाहेंगे तो हम दे नहीं पाएंगे। ये भी बात हुई कि कोर्ट ने कहा कि आपको अगर बेल देते हैं तो आपको फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो ईडी ने ये कहा है कि इनके पास तो कोई पोर्टफोलियो पहले भी नहीं था, तो इनके बाहर आने से कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। इस पर उनके वकील ये कह रहे हैं, उन्होंने एलजी को नाम बीच पे लिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि दो हफ्ते पहले एलजी ने एक फाइल ये कह के लौटा दी थी कि इस पर सीएम के दस्तखत नहीं है, तो हमको पूरा फुल फ्लेश काम करने की परमिशन मिलनी चाहिए अगर इनको जमानत मिलती है तो।